हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सपना सिंह। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आप वीडियो में देखे होंगे कि एक छोटू सा मैं कटिंग लगाई थी, और ये देखिए बहुत ही कम टाइम में ये कितना सुंदर हो गया है। और ये और भी प्यारा हो गया था, बट हमारे यहाँ अभी स्नेल इतने ज्यादा आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ना बहुत सारे कट, मतलब यहाँ वहां से काट के प्लांट पूरा का पूरा खराब कर दे रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा इसमें ये हो गया, नहीं तो इतना अच्छा ये ग्रो किया था। तो चलिए, आज मैं आपको ढेर सारे गुलदाबदी की रिपोर्टिंग के बारे में बनाऊंगी, आज उसी के बारे में मेरा वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे मैरीगोल्ड, और मैं आपको दिखाती हूँ इसको। सबको मैंने कटिंग से ही लगाया था, और ये प्लांट को भी मैंने रिपोर्ट किया था। और ये देखिए कितने, ये 6 दिन में ही ग्रो हो जाते हैं। गेंदा की यही सबसे अच्छी खासियत है। और मैंने कल क्या देखा, मैं सोच रही थी ऊपर से थोड़ी सी पिंचिंग कर दूंगी, तो देखा कि मैंने बर्ड्स आ गए हैं। ये देखिए, अगर मैं दिखा पा रही हूँ तो एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ जूम करके। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्ड्स आ गए हैं इसमें। तो कल मैं इसकी पिंचिंग कर रही थी, लेकिन कुछ को पिंचिंग कर दूंगी और कुछ को मैंने छोड़ दूंगी देखने के लिए कि सो कौन से इसमें फूल होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं। मेरे पास जो कटिंग थी, घर पे एक प्लांट हुआ था, उसी से मैंने ढेर सारी कटिंग लगाई थी, तो मुझे याद भी नहीं है कि इसमें कौन से फ्लावर थे। तो ये सारे कटिंग्स को मैं, जो भी मेरे कटिंग्स है, सबको मैं रिपोर्ट करूंगी। और इधर देख सकते हो गुलदाबदी, तो ये सबको मैंने कटिंग्स लगाया था और सबको मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ सबको। और ये देखिए मेरा मिनी चांदनी, तो इसमें भी देखिए बर्ड्स आ रहे हैं और एक दो फूल भी खिले थे, तो इसको भी आज मैं रिपोर्ट कर दूंगी। सारे प्लांट्स को मैं रिपोर्ट करने के बाद आपसे मिलूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरा वन रिंग जो इतना छोटा सा था, और आज देखिए कितना घना हो गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ उस प्लांट को देखिए, एकदम छोटी सी, इतनी सी मैंने कटिंग लाई थी, वो कटिंग थोड़ी गल भी गई थी, फिर कितना प्यारा हो गया, नजर न लगे मेरे फ्लावर को। मैं मतलब ऐसा ये पहला कटिंग है जिसे देख के मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगा था ये कटिंग्स नहीं लगेगी। एकदम छोटा सा ऊपर का टिप था, वो भी थोड़ा सा गल गया था, बट लग गया, बहुत प्यारा प्लांट है। और फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए ढेर, ये जो भी कटिंग देख रहे हैं आप, मेरे सारे गुड़हल की कटिंग है, तो इन सबको भी आज मैं सबको आज रिपोर्ट करूंगी। और वहां पे देखिए मेरा पान का, वो कितना प्यारा हो गया है, देख सकते हो, वो भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये भी देखिए मैंने कटिंग से ग्रो किया था, सारे गुलाब वगैरह को कटिंग से ग्रो किया था सब कुछ। और आज मैं सारे गुड़हल वगैरह और जो भी प्लांट है सबको मैं रिपोर्ट करके आपसे मिलूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे गुलदाबदी के जो भी प्लांट थे, काफी बड़े हो गए हैं, सबको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो मेरे पास पॉट नहीं थे, तो इसलिए मैंने इस प्लांट को नहीं कर पाई नहीं रिपोर्ट कर पाई। तो आज मैं सबको रिपोर्ट करूंगी। ये सब आप देख सकते हो कि कितने मतलब प्लांट है सबको। आज ये कलेंचो आप देख रहे हो सबको, ये सब सारे गुलदाबदी को आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ, सभी को कर दूंगी सारे प्लांट को। तो जितने भी देख सकते हो ढेरों सारे प्लांट हैं। और इधर देखिए मेरे कटिंग से अड़हुल कितने अच्छे हो गए हैं, और मैं जहाँ तहाँ कटिंग लगा देती थी, तो इसमें भी देखिए आप मेरे कटिंग से, तो ढेर सारे प्लांट हैं। तो कितना सबको दिखाऊं, बस सबको जब मैं रिपोर्ट कर लूंगी तो आपको सारे मैं दिखाऊंगी रिपोर्ट करने के बाद, कि मैंने कौन कौन से प्लांट को रिपोर्ट किया है। तो उसकी वीडियो तो रिपोर्ट करते इस टाइम वीडियो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद मैं आपको सारे दिखा लूंगी। तो देखिए इसमें ढेर सारे कलंचो हैं, गुलदाबदी हैं, तो सबको मैं रिपोर्ट करके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो कटिंग से अपना मैरीगोल्ड ग्रो किया था, वो देखिए कितने अच्छे से हो गया, और आज इसकी मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो ढेर सारे मेरे रिपोर्टिंग है प्लांट सेट, लेकिन मैं सब आज नहीं कर पाई। सोच रही थी कि सारा कर दूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिट्टी वगैरह बनाना, उसके बाद इतने सारे प्लांट को करना। फिर भी करीब मैंने 40-50 तो मैंने कर ही दिए हैं रिपोर्ट, और बस ये थोड़ा सा बचा हुआ, इसको रिपोर्ट कर दूंगी। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने गुलदाबदी और मैरीगोल्ड को रिपोर्ट किया। तो रिपोर्ट करते हुए तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, और मुझे पता भी नहीं है कि इसमें कैसे फूल आएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक दो प्लांट जो थे मैरीगोल्ड के, उसी की कटिंग लगाई थी, तो चलिए जब फूल होंगे तो पता चल जाएगा।
और पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि इसमें बर्ड्स भी आ गए हैं, तो मैं एक दो प्लांट में बर्ड्स रहने दूंगी क्योंकि मुझे देखना है कि कौन से इसमें फूल आने वाले हैं। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं रिपोर्ट करके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने सारे जितने भी मेरे गुलदाउदी थे तो मैंने सबकी रिपोर्ट कर दी है और सबकी मेरी अब फाइनल रिपोर्ट हो गई है। तो आपको मैं नज़दीक जाके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, बहुत सारे ऐसे मेरे प्लांट थे जिसकी मैंने सेकेंड रिपोर्टिंग की। तो ये जैसे मेरे प्लांट थे तो इसको मैंने सेकेंड रिपोर्टिंग की, और ये सब जो बहुत सारे प्लांट आप देख रहे हो छोटे छोटे हैं, इनको मैंने फर्स्ट रिपोर्टिंग की और डायरेक्टली मैंने इनको फाइनल पॉट में ही दे दिया क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है और विंटर सीजन का ढेर सारी तैयारियां भी करनी है और टाइम भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो अब मैं बस इनको लगा दिया, रिपोर्ट कर दिया। अब थोड़ी सी इनकी पिंचिंग जब करूंगी तो आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मेरे सारे के प्लांट मेरे हो चुके हैं रिपोर्ट। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर मैंने जो कटिंग से मेरी गोल्ड लगाया था तो उन सबको दिखा दूँ। तो उन सब की भी मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। अब इसमें कौन से फूल खिलेंगे वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए ये भी मेरी रिपोर्ट हो गई है। और जैसे जैसे मैं इनकी पिंचिंग करूँगी, इसमें बर्ड्स आएंगे, फूल आएंगे, सारा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे गार्डन का देखिए, मैंने इतने सारे गमलों में सॉइल भर के रखा था लेकिन काफ़ी शाम हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी शाम हो गई है। तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंगल हूँ और मुझे सिंगल ही काम करना होता है, कोई मेड तो है नहीं मेरे पास। तो गार्डन का भी और खाना पीना सारा अरेंज करना है, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ करना है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है और मैं अब टाइम दूंगी भी नहीं। तो यही है मेरी फाइनल रिपोर्टिंग, तो आप देख सकते हो। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, सारे गार्डन को अरेंज करना, सब कुछ करना। तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। थैंक यू।